भाई आपको जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब जी ने एक दे नाल सानू जुड़न वास्ते प्रेरणा कीती है। शहीदां दे सरतार पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी तत्ती तवी ते बैठ के सानू दीवां नू शांति ते ठंडक पहुँचा रहे, पर असी इक्के ही दिन विच लखां करोड़ां रुपया रूह अफजा ते खंड घोल घोल के इक्के दिन दे अंदर बर्बाद कर देंदे हां। पर गुरु का उपदेश है जो उसनू अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाते। इस तो पहला कि आप जी दे नाल सवाल जवाब इत्थे सांझे कीते जाण, एक पुस्तक है सच्ची मुहब्बत, जिहदे लेखक ने हरनाम सिंह उपदेशक, उन्होंने एक छोटे जे बंद के अंदर बड़िया कीमती गल्लां कहियां ने कि किवें असीं अज वख वख देवी देवतियां दे पुजारी बन चुके हैं, देवधारियां नूं मन रहे हैं, कोई किसी नूं अपना इष्ट समझ रहा है, कोई किसी नूं बलशाली ते ताकत वाला गैबी शक्ति वाला दर्शाउंदा है। पर उन्होंने दो लाइनां लिखियां ने, कहिंदे ने, काली कलकत्ते वाली भौण कर गई खाली, जाए के बराजी कहीं चादरां नूं ताण के, हाए अफसोस आण के ना सार लीनी जबी सीस काटते ते कुल हिंदवान के। कहने लगे कि जिन्हां देवी देवतियां दे उत्ते लोग माण करदे ने, जिहड़ी पूजा कर रहे ने, उन्हां दे प्रथाए ने यह सच लिखिया कि हे लोगो, अज भी इस गल नूं समझ जावो, हाए अफसोस आण के ना सार लीनी जबी सीस काटते ते कुल हिंदवान के हुण जदों वह देवी देवते प्रगट नहीं होए ते ये इत्थों दे लोग भारत दे वासी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे कोल आए कि सानू छित्तर पै रहे ने, जबरदस्ती साडा जिहड़ा धर्म है तब्दील किया जा रहा, साढ़े जिहड़े जंजू है वह गलां दे विचों लाए जा रहे ने। कहण लगे हाए अफसोस आण के ना सार लीनी जबी सीस काटते ते कुल हिंदवान के, जदों इत्थे सिर लथ रहे सन किसी देवी देवते ने, किसी ने प्रचंड होए के देश का ना किया भला, आज सभी जाग उठे देवता जहान के। कहने लगे अज थां थां ते जगराते हो रहे ने, थां थां ते ये मड़ियां ते कबरां की पूजा की जा रही है, लोग उन्होंने बड़े गैबी शक्तियां वाले दस रहे ने। कहने लगे किसी ने प्रचंड होए के देश का ना किया भला, आज सभी जाग उठे देवता जहान के, कुल देवी देव जे जहान से दूर होते, जौना तीर छूटते गोबिंद सिंह जवान के। कहने लगे ना देवी देवत्यां दे जिहड़े धार्मिक स्थान सन इस संसार दे अंदर उन्हां दा नामो निशान मिट जाना सी, जे किधरे कलगीधर पातशाह जी दे कमान दे विचों जिहड़े तीर ना छुटे होंगे। सो असीं गुरु दे जिहड़े पर उपकार ने उन्हां नूं विसार चुके हाँ। आओ आप जी का बहुता समा ना लेंदिया होया, असी 11 बजे तक लगभग समाप्ति कर देनी है, बहुत थोड़ा समा है, यतन होएगा कि वो इतने जोड़े सवाल ने वो विचारे जान। मैं बेनती करांगा साढ़े सत्कारयोग प्रिंसीपल ज्ञानी गुरबचन सिंह जी पनवा और भाई सुखविंदर सिंह जी के देहर दोवें सज्जन स्टेज उपर आ जाण। संगत वालों पहला ही बहुत सारे जोड़े सवाल साढ़े को पेंडिंग ने, उन्होंने इतने विचार का असी यतन करांगे। पहला सवाल सिख रहत मर्यादा के नाल संबंधित आया है, यह सवाल ज्ञानी गुरबचन सिंह जी होना दे सन्मुख रख रहे हाँ। सवाल है जी कि गुरु ग्रंथ साहब जी का जदों सरूप एक जगह तो दूजी जगह पर लिजाया जाता है तो कई बार क्योंकि गर्मी के मौसम ने तो असी नंगे पैर चलते हाँ, तो जे कोई मौसम ज़्यादा खराब हो, ज़्यादा गर्मी या सर्दी हो, ता कि असी पैरां दे विच कोई जोड़ा पहन सकते हाँ कि नहीं, इहदे उत्ते ज्ञानी गुरबचन सिंह जी विचार पेश करनगे जी। बहुत ही प्यार नाल जुड़ बैठे गुरु प्यारी संगत जी, सनेमर फतेह नूं प्रवान करो अते गज के आखो जी वाहिगुरु जी का, वाहिगुरु जी की फतेह। पंथ प्रवानत रहत मर्यादा विच इह लिखिया होया है कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के स्वरूप नूं सवारे नूं एक थां तों दूजी थां ते लिजाणा होवे
ते जोड़े पाउण दा भरम ना कीता जावे। गुरमत मारतंड दे विच बड़ा प्यारा लिखिया भाई साहब भाई कान सिंह नाभा ने जिसनों छपवाया है श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, वो लिखते ने बाहर मल मूत्र इत्यादिक खंगार इत्यादिक पैर नूं लग जांदे ने जिहदे नाल पैर बहुत ही गंदे हो जाते हैं। कई बार गर्मी होंगी है, कई थावां ते बर्फ पई होंगी है, इस वास्ते सानू ये निके निके जिहड़े वहम ने वो सानू नहीं करने चाहिए और इन्हां वहमां तों उपर उठना चाहिए। ये नाल एक छोटा जिहा होर सवाल है भी आम तौर पर जो प्राणी का संस्कार किया जाता, हुण ही एक वीर एक भैन दस के गई सी भी मर जा दसिया जी कि वह फुल रहन मर्यादा विच लिखिया है कि जो प्राणी का संस्कार किया जाता अगन भेट किया जाता है वह सारा अंगीठा संभालिया जाए, भाव सवारी सवार राख इत्यादि इकट्ठी करके तुहाडे नेड़े कोई वग रही नहर है जो पानी का प्रवाह चलता है वह नेड़े ही उहदे विच तुसीं रोड़ दिओ, जां अपनी जमीन दे विच टोआ कढ़ के दो चार फुट डूंघा उहदे विच दब दिओ, उत्ते बेशक वाही कीती जावे, बाहर दूर दराज ले जाण दी लोड़ कोई नहीं। मर्यादा विच लिखिया हरिद्वार जाके जां कीर्तपुर जाके फुल पाउणे इह मनमत है, पर बहुत दफा साढ़े विच गुरबाणी का प्रकाश होने के नाते भी असीं मनमत करन तों बाज नहीं आउंदी। जिन्नियां भी कीर्तपुर नूं बसां जांदियां ने आम तौर पर तुसीं देखियो बंदा कोल बैठा हुंदा नाल सीट खाली हुंदी है, पुछे भाई मैं बहना नहीं, कहिंदे मेरा पापा बैठा मैं टिकट लई हुई है जिहड़ी सवाह रखी हुंदी है। कई बार घरों तुर लगे भी आ पापा तैनूं मैं छड्डिया वा, इदां दीआं जिहड़ियां गल्लां ने बड़ियां मनमत ने निक्कियां निक्कियां गल्लां। असीं इन्ने वहमी हो गए भी कड़ाह पछा लियाना होए उहदे अगे तूंबा तूंबा पाणी आपां छिड़कीआ ने, मनमत है। असल कारण की सी, पुराने राह कच्चे हुंदे सी, अज वी जिथे कच्चा पाणी दा छिड़काव कीता होणा चाहीदा। देखो समागम है, बाहर तुसीं पाणी दा छिड़काव कीता मिट्टी घट्टा नहीं उड़दा, पहला छिड़काव कीता होए मिट्टी घट्टा इत्यादिक नहीं उड़दा, पर यह पानी छिड़काउण दा अर्थ ही आ भी शनिश्चर देव तैनूं कहिंदे आ भी कड़ाह पछा अगे ला के लै तूं पिछे पिछे नहीं उड़। असल में तेल चोना जां पानी का छिड़काव कर देना इहदा अर्थ ही आ कि शनिश्चर देव तां पिछे रह जावे अगे लै के जा रहे हैं। ये तो मैं अगे भी तुहाडे सामने बेनती की भी थाली में थोड़ा थोड़ा समान पा के लै के आउंदे आ भी गुरु ग्रंथ साहिब छकदे नहीं गुरु प्यार वाले, हो ये लंगर की अरदास जिहड़ी भी उत्थे हो जानी चाहीदी है, जां परिवार वालों समुचे तौर पर इत्थे संगत विच अरदास हो जाए भी लंगर की सेवा पुराने परिवार वालों हो रही है सेवा प्रवान करनी। इदां दी निक्के निक्के जिहड़ियां गल्लां ने उहनां नूं आपां तां ही विचार सकदे हां भी जे आपां पढ़न दा यतन करांगे सुणन दा यतन करांगे। लो प्यार नाल अगला सवाल सामने करो। अगला सवाल भाई सुखविंदर सिंह होना वास्ते है कि असं कहने कि सारा कुछ अकाल पुरख करता है वो हुक्म रजा बच्चे है वो हुक्म तो बिना पता नहीं हिलता, तो इसका की भाव समझा जाए कि जे कोई वीर केस कतल करा है ज नशा पीता है तो कि इसमें भी उस करते की रजा ही समझना चाहिए। सतनाम जी सतगुरु के प्यार में जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगे जनों वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सवाल तुहाडे परसों भी सी कल भी सवाल का जवाब देन लग्या कई बारी विस्थार में जाना पैंदा है, पर अज असीं बिल्कुल संखेप में रख के वध तों वध सवालां दे जवाब देन की कोशिश करांगे। जिहड़ा विचार आया है कि जो कुछ हो रहा सब रब की रजा विच है, ठीक है, बाणी भी इस तरह ही कहती है कि जो हो रहा है सब कुछ परमेश्वर की रजा विच है। और जदों नाल इहदे सवाल बनाया गया वो ये सवाल इस तरह बनया कि जो गलत हो रहा है जो माड़ा हो रहा है कि ये भी रब की रजा विच ही है, बिल्कुल ये भी रब की रजा विच ही है, ये कोई बाहर नहीं है। कारण सानू जदों असीं गुरबाणी की डेफिनेशन भुल जाने ना परिभाषा भुल जाने उदों असीं गुमराह हो जाने। देखो रब जी की रजा है तुहाडे कोल हिरदे की धरती है, तुसीं इहदे विच गुरु नूं पुछ के फसल बीजनी है, बीज तुसीं गुरु नूं पुछ के पाउणा है। और सतगुरु की बाणी कहिंदी है भलिओ जे हिरदे की धरती विच तुसीं बीज पाउण तों अवेसले रहे तां इहदे च घा फूस उगेगा, भाव कर्म कांड वहम भरम भुलेखे अपने आप पैदा हो जाणगे। जे तुसीं गुरु दे हुक्म नूं मन के इस हिरदे की धरती विच गुरु शब्द का बीज पा लिया तां इहदे विचों गुणा की फसल जिहड़ी है वह लहरा उठेगी। और सतगुरु की बाणी इसे करके कहिंदी है प्यारिओ देखो रजा है रब की, जे तुसी इस शरीर अंदर औगण बीजे ने
बीज औगणा का पाया है, तो फल किहो जिहा लगेगा? फल भी औगणा का लगेगा। जे बंदे ने अपनी नीयत विच खोट रखी है तो वो कर्म किहो जिहे होणगे? मन मैला, सब किश मैला, तन धोता, मन अच्छा ना होए। होर पढ़ो महाराज की बाणी आखदी, सतगुरु आखते बीजा बेख मंगा है अमृत, वेखो ये न्याओ। बंदा जहर बीज के अमृत की आस ला के बैठा है, रजा ही है ना। जे जहर बीजे तो जहर का ही फल मिलेगा। फरीदा लोड़ा दाख बिजौरियाँ, किकर बीजा जट हंडा उन कताए का पैदा लोड़ा, टुटी उन कट्ठी करके तो रेशम पहनना चाहता। किकर के बीज बीज के ते दाखा की आस ला के बैठा है, नहीं होएगा, रजा ही है। जे बंदा अपनी नीयत में जिदा का वह धारण करके बैठा है उदा का उन्होंने फल प्राप्त होएगा। सतगुरु इस करके बाणी च आखते, खेत शरीर जो बीजी है सो अंत खलोआ आए। इसे बाणी कहती करमा संदड़ा खेत, इसे बाणी कहती आपे बीज आपे ही खाओ। भाई जिदा का तुम समाज सिरजना चाहते हो उदा के अपने विचार बनाओ। जे थोड़े तो विचार जिदा के बने हुए आ, यकीनन ये समाज की घाड़त अपने आप ही उदा की बनती जाएगी, शरीर की घाड़त उदा की बनती जाएगी। जे तुम शुभ चाहते हो, चंगा चाहते हो, भला चाहते हो, तो अपने जीवन अंदर भी कुछ चंगा करो। मनुख शराब पी रहा, शराब पी रहा, उन्हें समझे ही इदा है कि ये ही रस है, ये ही जीवन है। यू पीण नाल चिंता भुल जाती है, भावें सारा टब्बर रात को फड़ फड़ के उन्होंने लम्मे पाँदा रहे, सारा टब्बर वक्त को फड़िया रहे, पर चिंता मुक्त होया रहा कला। हुण वो मन के बैठा है, वो ख्याल इदा दे, उन्हें बीज ये सब कुछ लिया है, तो जो उन्हें बीजिया यह है भी नशे में सुख है, नशे में सब कुछ निकलता है, तो उन्होंने फल किहो जिहा लगेगा? नशे का, नशे का फल लगा, तो बाकी जिहड़ियां होर अलामतां ने वह सारियां दिखाई देणगियां। सब कुछ कुछ रब की रजा विच है, रब की रजा तो कुछ भी बाहर नहीं। लेकिन जे चंगा है तो उन्होंने चंगा फल लगेगा, जे बुरा है तो उन्होंने बुरा फल मिलेगा। अगला सवाल भूतों बारे जी, कि भूत प्रेत होंगे, कई लोग सिरजा घुमाते हैं, तो कई दावा करते हैं कि फलाने बाबे बड़े माहर ने, चिमटा मार के तो भूत काट देंगे। सो ज्ञानी जी ये उत्ते विचार रखे कि गुरबाणी साड़ी की अगवाई करती है जी। भूत का अर्थ है गुजर गया, चला गया। कबीर साहब का ये प्रथाए बड़ा प्यारा श्लोक है, गुरु प्यारियो मैरिज पैलस के 10 बजे शराब पीनी शुरू कर दे, 4 बजे तक वह भूत ही बनया हों, बंदा रहा कोई नहीं, भूत लभण की लोड़ नहीं। भूत अपने घर है। कल परसों भाई सुरिंदर सिंह उन्होंने बड़ा प्यारा संबंध दसिया कि पुत भी भूत आ, धी भी भूत आ, घरवाले भी भूत आ, जो गुरु के लाड़ नहीं लगे हुए। ख्याल करो भूत आप घर ही बने हुए हैं, जो असं गुरु साहब के भरोसा नहीं रखते, तो कोई साध संत लै आने भी वो अरदासा कराने। गुरमत ज्ञान मिश्री काल के साढ़े कोई विद्यार्थी पढ़ता थोड़ा जहा विषय हट के वो घर चला गया हरियाणे, उन्हें एक बाबा लैंदा, वो कहता भी बाबे ने का की काम करना, कहते इन्हें काम तो यह करना भी आप करा बोर, तो इन्हें ये रखना भी दिव्य दृष्टि नाल भी जमीन च पानी उच्चा कितने उत्थे बोर करना। वो कहता भी कानू भूतने बने हुए सियाने बनो, कहते लै लै तेन बड़िया गल् आ, दो किताबा की पढ़ा तू गल बड़िया करना। वो कहता भी इनू नहीं पता है ये जमीन की जी परख करते उन्होंने पता। वो कहते नहीं ये ब्रह्म ज्ञानी आ, इन्हें देख जमीन नालों 1.5-2 किठा उच्चा चोला पाया होया, इन्हें ब्रह्म ज्ञान की गल करता, इन्हें दिव्य दृष्टि बड़ी तगड़ी है, 10वीं बार खुलिया होया। वो कहता हमने तजर्बा कर लें, कहता बाबा जी खीर खाओगे? कहते पुत खा लाँगे। बाबा जी मिठी खाओगे? फिकी। कहता पुत खीर मिठी चंगी लगदियां ने। उन्हें प्लेट में 3 चमचे खंड पा के 3 कड़शियां वड्डियां सारियां खीर पाती। कहता बाबा जी छको। बाबे ने वलेट के चमचा मूँह च पाया तो खीर तो फिकी। कहता पुत खीर फिकी आ। मुंडा कहता नहीं बाबा जी खाओ खाओ खीर फिक मिठी आ। बाबे ने फिर वलेट के मोटा हरा चमचा मूँह च पाया तो कहता पुत खीर फिकी आ। वह बच्चा घर वालों को कहता क्यों भूत ने बने हो? जेडे मूर्ख नू 3 कड़शियां थले 3 चमचे रे खंड नहीं लभदी, वह जमीन चो पानी लभ देगा। इस बार गुरु प्यारे जो गुरु ग्रंथ साहब टुटिया हुआ सारे भूत ही बने हुए जे,
पूर देखने की जरूरत नहीं है, दूर ना जाया जी। असं घर खंड पाठ कराया सतगुर सच्चे पातशाह रंभे कारज रासकार ने शाम 8 बजे की करना आप जागो करनी सारे भूत बने होंगे जी, गमले तोड़ते हैं, मंजिया तोड़ते हैं, मंझा खुलिया छड़ देते हैं, भी भूतना घट है। गुरबाणी अंदर गुरु प्यार वाले जीवड़े जी मनुख जदों सिधांत तो गिरया हों भूत आ। पर आप जिमें कुलवीर सिंह कौड़ा लिखता चौथी जमात तो शुरू कर दिए बी ए तक भूत साड़ा खेड़ा छड़ते ही नहीं है। इस वास्ते ना को भूत जे ना को प्रेत है, जिहड़ा गुरु नाल टुटिया होया वह जीवन के भूत है तो प्रेत है। अगला सवाल गुरबाणी के विचों है जी, तीसरे पातशाह जी का बचन पढ़ते हाँ। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जाणी। इत्थे सरसे जो लफ्ज़ आया है इस पंक्ति जिहड़े राम रहीम डेरा वाले ने वो अपने डेरे दे नाल जोड़ के इस तरह पेश करन दा यतन करते हैं, गुरबाणी के अंदर ये जिहड़े बचन ने वो किस प्रथाए आए हैं? तुहाडे चों बहुत सारे पढ़े लिखे वीर भैणां बैठे आ, जदों इदां दीआं बाणी दीआं पंक्तियां असीं आप खुद नहीं पढ़ते ध्यान नहीं दिंदे तां बहुत सारा गुमराहपुन प्रचार जिहड़ा उह साडे लई सिरदर्दी बन जांदा आ। जिवें सतकारयोग वीर जी ने हुणे एक सवाल तुहाडा सीगा कि संत साजन भए सरसे, देखो जी बाणी विच लिखिआ वी जिहड़े संत आ वो तो सरसे रेंदे आ। तुहाडे जो पढ़े लिखे वीर भैणां बैठे आ तुहानूं चेता होएगा जां दुबारा कदी देख लिओ आप उत्थे जाके पुछ आयो कागजी कार्रवाई पूरी कर लिओ। वो हरियाणे विचले शहर का नाम सरसा नहीं है वो सिरसा है। चलो दूजी गल इन्हां दी आपां मन लैंदे आ वी बाणी च लिखिआ संत साजन पए सरसे। संगरांद ते तकरीबन बहुते सिख मनाई जांदे आ, गुरदाने पाठ हुंदा ही है 12 माह का। जदों 12 माह का पाठ हुंदा तुहानूं चेता होएगा मैं पंक्ति पढ़दा सावण सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार संत साजन भए सरसे भज गए उधर नूं। ते आउण बाणी च इदां वी आया सावण सरसी कामणी, इह सरसी कित्थे आ? सरसा ते उत्थे हो गया, सरसी कित्थे आ? असल विच शहरां दे नां नहीं इह आए, असलीयत विच जदों बाणी ने यह पद वरते आ तां इन्हां दा अर्थ है संत साजन भए सरसे। वो रस सहत हो गए, रस वाले हो गए, वो रस नाल नकानक भर गए जिहड़े गुरु नाल जुड़ गए जिन्हां ने गुरु की बाणी नूं सुनिया है। इत्थे किसी शहर जां किसी एक व्यक्ति वास्ते नहीं, इत्थे मैं एक होर गल करदा। एक डेरेदार ने वो वैसे उठिया नहीं अजे फ्रिज च आ, उन्होंने ये प्रचार किया कि वेखो जी बाणी तुहाडी च लिखिया होया कि भावें लांबे केस कर भावें घर मुंडाए कि रख लो जां ना रख लो कि मुन लो इहदे नाल की फर्क पैंदा, भावें टेंड कढ़ाओ तो भावें रख लो इहदे नाल की फर्क पैंदा। हुण जदों ये तुक पढ़ाई गई तो बड़े सारे गुमराह हो गए लोग, उस इलाके जाओ ना उत्थे घेरे घेरे तो उत्थों सवाल बड़े उठते इदां दे। हुण जदों यह सवाल आया कि देखो जी इत्थे सानूं यह समझाया गया कि भावें लांबे केस कर भावें घर मुंडाए, की केस जरूरी है? बिल्कुल सिख धर्म च केस जरूरी है, साबत सूरत रहण दी बात है। अगली गल जे बाणी दी ये तुक लैके गुमराह किया जाना है कि भावें लांबे केस कर भावें घर मुंडाए, तुहानूं चेता होना चाहिए उत्थे ही उन्हां श्लोकां विच कबीर जी इंज भी लिखते हैं कबीर मन मुंडिया नहीं केस मुंडाए काए, जो किया सो मन किया मुंडा मूड अजाए। ओ या मुनना मनाउणा ते एवें फालतू ही आ, जो करदा ते मन करदा तुहाडा। कबीर जी ने उत्थे वाल मुनण दी गल नहीं कीती, कबीर जी ने उत्थे गल कीती है जेड़े लोग रगड़ के सिर मुन के सन्यासी बनते सी ते जां जटावां वधा के जोगी बनते सी, कबीर जी उन्हां दी गल करदे आ। वह कहिंदे एवें रगड़ के सिर मुन के सन्यासी बनन नाल तुहाडा सन्यासीपुणा पूरा थोड़ी हो जाएगा, तुसीं सन्यासी थोड़ी बन जाओगे। इदां नहीं सन्यासी बनिया जांदा, सन्यासी बनने लई तुहानूं उह सारे गुण धारण करने पैणगे जिहड़े बाणी ने आखिया सन्यासी बनने लई बहुत जरूरी आ।
ਤੇ ਆ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੋਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਲਝਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਪੋਥੀਆਂ ਤਾਲਮ ਡੰਗ ਰਬਾਬ ਵਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਯਾਨੀ ਬੀੜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਵਾਲਾ ਠੇਕੇ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਵੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਠੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਰਦ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਭੀੜਾ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਰਦ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਦੋ ਪੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਆ ਔਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਹੈ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਗਾੜ ਬਣਾਇਆ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ 7-5 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ 7-8 ਦਿਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਦੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਸਵਾਲ ਜੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਂਝ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲਾਗ ਮਾਤਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਭਲਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਮਤਾਓ ਬਿਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲੈਣਾ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈ ਸੁਹਾਰ ਜਨ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੁਹਾਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖਲੋਤਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਵੀ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆ ਇਹ ਮਨਮਤ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਪੜ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਰਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਹ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਾਂ ਸੁਣਨੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ 3ਜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਬਣ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਭੰਜ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜ ਦਾ ਸਲੇਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਦੀ ਕਿਤੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਮਿਲੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਵੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਵੀ ਉੱਡੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇੱਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਉਸਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਇਆ, TV 'ਚ ਆਇਆ, ਆ ਗਈ ਆਖਿਆ ਬੱਲੇ ਵਾਹਗੁਰੂ ਵਾਹਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ 2006 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਕੀ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ?
या पिछले 20-30 साल एक बंदा ठीक होया भी बाकियों की गुरु तो करोपी है। सतगुर की बाणी पढ़ो, सतगुर सभना का भला मनाएं दा तिसदा बुरा क्यों हो। इस तरह गुरु प्यारे मन कर जिहड़ियां कथा कहानियां ने ये अनपढ़ साधा ने पाईया ने। कौमी वसीयत तुहाडे इलाके दे लिखारी भाई जसवंत सिंह कंवल उन्होंने पुस्तक कौमी वसीयत उस बड़ा प्यारा लिखा। वो कहिंदा भागां वाले हो, किरत कमाई करन वाले हो, बाहर दे मुल्कां वाले हो, तुसीं खड़ियां लत्तां दे उत्ते 8-8 घंटे काम किया, 14-14 घंटे काम किया, पर पंजाब दे वेलड साधन नूं तुसीं अपनी कमाई लटाती इन्हां 5-5 महलियां मड़ियां बना लिया, पर कौम दा डक्का भन के दोहरा नहीं किया। अगला सवाल लो। जिवें ज्ञानी जी होना दस्या कि जे सिख रहत मर्यादा के अंदर यह मत दर्ज है कि एक समय केवल एक ही कर्म किया जा सकता है, जां गुरबाणी का पाठ है, जां कीर्तन है, तो जां बखियान है, पर जिहड़े पंथ के अंदर वंडियां पाउण वाले डेरे ने इस तरह के, उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 51 अखंड पाठ इक्के वारी रखे जाते हैं, कोई उत्थे सुनने वाला नहीं और मूँह बन्ने होंदे ने। उन्हां जगह पर जिथे ना लंगर पकता हो, ना निशान साहब हो, इस तरह की मर्यादा हो रही हो, पंथ के अंदर एकता किवें लिया सकते हैं, बल्कि वह तो बखेड़ा खड़ा करने वाले और बखरीवें खड़े करने वाले ही लोग कहे जाते हैं। जो इस तरह के विचार रखे जाते हैं तो हो सकता है कि किसी के मन में ठेस पहुँचे, क्योंकि हरेक बंदा यह सोच के बैठा है कि साढ़े बाबा जी चंगे जेडे डेरे से असी जाते हैं वो डेरा बहुत चंगा, तो दूसरे जेडे वो गलत ने। साडा डेरा केवल तो केवल गुरुद्वारा साहब है, गुरु ग्रंथ साहब है, इस करके सिख रहत मर्यादा जिहड़ी है वो सानू आप पढ़नी चाहिए है, स्थानक गुरुद्वारियां दे अंदर लागू करनी चाहिए है, तो जिथे आपो अपनी मर्यादा चल रही है उन्हां तो किनारा करना चाहिए है। वो असल में खालसा पंथ के दुश्मन सब तो वड्डे वो ईरखावादी लोग हैं जी। अगला सवाल गुरबाणी के नाल संबंधित आया भाई सुखविंदर सिंह होना वास्ते। बचन है राम पदार्थ पाए कै कबीरा गांठ ना खोल, नहीं पटन नहीं पारखू नहीं गाक नहीं बोल, इस दे अर्थ पाप समझाए जान जी। कल जदों दीवान तो पहला असी इत्थे पहुंचे हाँ उदों उत्थे चाह पींदे हाँ वीरां ने एक सवाल किया सी, उहदा उत्तर दिंदिया दिंदिया इन्हां दे विचार सी कि इस सतगुरु की बाणी के मुख वाक नूं स्टेज पर संगत में जरूर तुसी एक बारी इहदा उत्तर दिओ। तो यह सवाल कल भी असी उत्थे अंदर विचारिया सी, लेकिन अज स्टेज पर भी आया है। राम पदार्थ पाए कै कबीरा गांठ ना खोल, और ये तुक तां अजे नहीं लिखी है, लेकिन कल जदों असी गलबात करते सी तां उत्थे मैनूं पता लग्गिया कि जिवें मैं पहला एक सवाल का जवाब दिता सी इवें ही एक डेरेदारां वल्लों कहानी है। कहिंदे कि मैं उत्थे गया सी किसी डेरे ते, तां उत्थे जदों नाम लिया उन्होंने कहा भी ये गांह नहीं किसी नूं दसना हुण। कहिंदे भी मैं कहा भी गांह क्यों नहीं दसना, किसी नूं दस नहीं सकदे। कहिंदे भी ये उन्हां दा हुक्म है भी अगे नहीं आपां किसी नाल गल करनी। मैनूं एक होर भी घटना चेते आ भी एक माई मूँह तो इदा ना खेस लैके उत्ते सारे शरीर दे चौंकड़ी मार के बैठी, उत्ते खेस लिया तो वह खेस दे विच वड़ के बैठी हुई, बड़ा चिर बैठी रही। जदों उन्हें खेस लाया तो उन्होंने पूछया भी तुसी ये की करदे सी, भी ठंड लगती सी जां की चक्कर आ। कहिंदी नहीं पुत नाम जपदी सी। मैं कहा भी नाम तो तुसी गोड्यां ते खेस लैके उदा भी जप सकते, उत्तों की पिछों सारा लैके खेस तुसी ढक्के ढक के अपने आप में चौंकड़ी मार के बैठे भी ये कोई वक्री मर्यादा ढंग तरीका कोई वक्रा नाम जपते सी। कहिंदे छड तैनूं नहीं पता। मैं कहा चल मैनूं पता नहीं तुसी दस दिओ, हुण तुहानूं पुछिया तां हैगा इसे करके पुछिया। कहिंदे जो साडे बाबिआं ने नाम दित्ता सी ना तो कहिंदे सी कि लोक दुनिया बड़ी अजकल चलाक है, पहली गल तो दसना नहीं, दूजी गल दुनिया चलाक बड़ी है पढ़ी लिखी आ, ये बुल हिलदियाँ तो अंदाजे ला लेंदे भी की करदे आ, इस करके ना मूँह ते कपड़ा लै लिओ, असी तो उन्हां दे हुकम पाल रहे हैं। तो इदां तो पता ही नहीं किन्ना कुछ। जिस गुरु दे असी लड़ लगे बैठे हैं ना, जिस गुरु की रहनुमाई च चलदे आ सिख असी, वह गुरु तुहानू पुकार के कहिंदा। डेरेदार की करदे एक बारी पासे छड़ दईए, देखो सिख पंथ तुहानू की आग्या दे रहा है, तुहाडा गुरु तुहानू की कह रहा है। गुरु कहिंदा
कहिंदा प्यो दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरा मन भया निदाना रतन लाल जाका कछु न मोल भरे भंडार अखूट अतोल खामे खर्चे रल मिल पाई तोटना आवे वध हो जाए। भाई करो अगे गल जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की जो आप जपै अवरा नाम जपावे। एक बारी नहीं कई बारी महाराज ने इस तरह की आग्या की है और सानू तो कोई लुकाउण का हुक्म ही नहीं। राम पदार्थ पाए कह कबीरा गांठ ना खोल कहिंदे उत्थे सानू ये पंक्ति सुनाई गई भी गांठ नहीं खोलनी मूँह नहीं खोलना बस ऐ घुट के रखो। असल च गल की है जदों असीं बाणी नूं पढ़ांगे ना तो फिर गल समझ लगती गल की है। गुरु नानक साहब प्रचार दौरे ते गए जी, मैं संखेप विच उत्तर दे रहा, गुरु नानक साहब प्रचार दौरे ते गए। गुरु नानक साहब कोल नाम सी, गुरु नानक साहब कोल नाम सी ना, रब का नाम हैगा सी कि नहीं सीगा। गुरु नानक साहब जेड़ा नाम संसार विच वंडण गए उन्होंने दस्या कि नहीं दस्या, दस्या ना, दस्या ना। गुरु नानक साहब आप दस्या ते जिथे जिथे गए उन्होंने अपने अधिकारी उन्होंने बिठा दिते भी तुसी अज तो इस दे योग हो ते जेड़ी संगत तुहाडे कोल आवे उन्होंने ये शब्द की दात दे जानी है। तो लंबे की धरती ते भाई सज्जन जिन्हों असी सज्जन ठाकुर जी तक कही जाने भाई सज्जन पहला प्रचारक से, तो ये गुरु नानक साहब की मेहर है कि उन्होंने आप भी वरत्या ते आप वरत के उन्होंने संसार नूं भी वरताया ते सब नूं आग्या दित्ती जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की जो आप जपै। तुसी भी अगे गल करो भाई, ये गुरु की गल अगे तुसी भी पहुँचाओ। अगली गल राम पदार्थ पाए कै कबीरा गांठ ना खोल। बाबा फरीद जी कहिंदे आ जे जाना जे मैनू ये पता लग जाए लड़ छिजना ये लड़ छुट जाना आ ढिला पै जाना आ जे जाना लड़ छिजना। अगली गल की है पीढ़ी पाई गंढ मैं गंढ इन्नी घुट के पा लवा इन्नी कस के पा लवा कि यह लड़ छुटे ना। जिन्हों बाणी कहती है तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच तनी। तो बाबा कबीर जी कहें कबीर राम पदार्थ पाए कै रब जी वाला नाम पदार्थ जीवन में धारण करके पा के गांठ ना खोल ये संबंध ना तोड़ी ये गंढ ढिली ना होने देवी ये गंढ तोड़न वाली नहीं ये संबंध मजबूत रखना है ये ढिला नहीं पैन देना क्योंकि जे ढिला पै गया ना तेरा आ जीवन शहर वसदा रह जाना है ना ये कोई पारखू रह जाना है ना ये कुछ होर चजदा रह जाना है ये सब उजाड़ हो जाना है। जे राम पदार्थ पाए कै गांठ ना खोल वाली गल करेगा तो ये घुग ग्राउं वसदा रहेगा ये शहर इस तरह रौनक भरिया रहेगा ये करतार भी वसेगा ये इस तरह सोहनी खुशबू गुण महक खिलरदियाँ रहनगियाँ। तो जे गंढ खुल गई तो ये तेरा शहर उजड़ जाना है जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से असल सोयन चौबारे जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा से ही नगर ये उजड़ जाता है ये नगर फिर रह नहीं जाता इतने चोर डेरे लाते ने। इस करके कबीर कहते हैं राम पदार्थ पाए कै कबीरा गांठ ना खोल। रब वाले पास्यों ये संबंध ये पई हुई गंढ ये पिया होया जोड़ इनू तोड़ी ना इनू ढिला ना पैन देवी इनू मजबूत करी ता कि तेरा जीवन सफल हो सके। इस तो पहला कि अगला सवाल आप जी दे नाल सांझा कीता जावे दो बेनतियां ने कि कल अते परसों 21-22 तरीक के जड़े सिखी लहर के समागम हैं गुरद्वारा बुरज साहब पातशाही पंजवीं धारीवाल जिला गुरदासपुर विखे शामी 8 बजे तो लैके रात 10:30 बजे तक होणगे। जेकर आप जी भी इन्हां समागमां नूं सुनना चाहुंदे हो तो अपने मोबाइल के उत्ते सिखी लहर रेडियो डाउनलोड कर सकते हो जां सिखी लहर .com वैबसाइट के उत्ते भी इन्हां समागमां नूं तुसीं लाइव सुन सकते हो। बाहर गुरमुख साहिब का स्टाल लगा आम तौर पर सानूं पता नहीं हुंदा कि कहिड़ी असीं किताब लैके जाणी है। मैं कुछ किताबां दे नाम आप जी दे सामने रख दिंदा हाँ जिन्हां ने कदे किताब नहीं लई उन्होंने बहुत सौखिया किताबा और बड़िया पाएदार किताबा हैं बहुत छोटिया छोटिया किताबा हैं।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਥੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਟੀਕ ਨਿਤਨਿਮ ਸਟੀਕ ਹੈ, ਅਸਾਗੀਵਾਲ ਸਟੀਕ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਟਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌੜੇ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬ, 100 ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਗਿਆਨ ਪੂਜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੋਣਵੀਆਂ ਪਾਏਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ 2 ਸਵਾਲ ਹਨ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮਾਲਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਫੇਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਲਭਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਥਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਘੜਦਾ ਦੂਜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਘੜਦਾ ਤੀਜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 1912 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਦਿਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਆਉਂਦਾ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਗ ਹੋਵਾ ਗੁਰ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਸੰਤ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ। ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਗ੍ਰਿਸਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਹੈਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਗ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਗ। ਵੱਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਚਰਾਣ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਗਾਂ ਦੇ ਵੱਗ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੌਥੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਤ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਾਓ ਤੋਂ ਭੈਣ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਬਣ ਜਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਤ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੰਦਾ ਨੇ ਨਾ USS ਇਕੱਠੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੁਣਾਈ। ਇੱਕ ਸਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਟਾਲਾ ਵੜਦੇ ਆ, ਮਾਝੇ ਸ਼ਟਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਬਰਸੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਸਿਆਹ ਗੋਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਨਿਗੜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਗਾ ਕੇ ਢੇਮ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਢੇਮ ਵੱਜਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਹਿਦ ਲਾਗੇ ਰੋੜਾ ਡਿੱਗੇ ਨਾ, ਖੜਾਕਣੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਚਿਮਟੇ ਵਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੌਥੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਤ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਗਲੀ ਜਿੰਨੀ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਾ ਵੱਗ, ਉਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਮਤਾਓ ਭੈਣੋ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਕੀ ਆਖੀਏ ਜੀ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਤ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹ ਐਡੇ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇੜਾ ਤਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਗੜਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੌਲੀਆ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਜੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ,
कमाल की बात है। तो मैं उदन ही बेनती की चमकौर साहब लड़ाई में जरूर ये कोई नहीं लड़न वाले होने क्योंकि किसी ने तौलिया चुके होने किसी ने गड़वा चुके होने किसी सेब चुके होने है जी। इस वास्ते बोली बोरी उन्होंने को फुलियां नहीं होनी संत संगत प्रसाद देने वास्ते। इस वास्ते गुरु प्यार वाले ये वेलड़ जेडे संत है ना मैं कई बार बेनती करता हूँ भी वेलड़ जेडे पंजाब के अपने झोने के नदीन कट जो भजिया मकई चो काकड़ वाले भजिया कमाल चो काकड़ वाले का भजिया वो बाबा बन गया बड़ा सोहना सत्तां सत्तां मलाइया वाला दुध पीण नूं मिलिया वधी वधिया खीर खाण नूं मिली बदामा वाली खीर खाण नूं मिल गई हाँ जी। तो एक बाबे का चेला से मोटिया मोटिया लत्तां घुट रहा है तो उसका चेला लत्तां घुटदा घुटदा बाबे नूं पुछ बैठा बाबा जी भई जिहड़ी संगत है तुसीं उहनूं की देंदे हो कहिंदे अपनी फोटो। तो बाबा जी जो अंदर प्रकाश है वह की है वह कहिंदे गुरु ग्रंथ साहिब। तो बाबा जी तुसीं उहदा शब्द क्यों नहीं पढ़ के सुणाउंदे। बाबे ने मारी लत वो बाजियां पै गई तीन तन तेरा बेड़ा तरे जे वो शब्द आ तरह बदामा वाली खीर तरह भापा लै गया करेगा इतने बदामा वाली खीर कि लै गई होनी जो शब्द कि सुनाता। तो गुरु प्यार आप भी सानू का पता कोई नहीं ट्राली चली है वाहू वाहू घर बह जाने कि डेरे चले गई तो उत्थे आप बैठ गए लै के जाने पांच किलो कणक लै गए पांच किलो चौल लै गए दो किलो गुड़ लै गए दो किलो आटा लै गए पचास रुपये गोल में पाए तो कैनी जी लंगर वो दुध वाली कैनी आप लादा है उतो बहरों की भर लिया आप पानी वाला डब्बा भर लिया। तो मैं बेनती की भी चमासना सताया हो बाबा साध मुंडा साध बन गया वो पिंड वाली चाचिया ताइया मिल गई वे कहते भी रहा तू इतें कहता ताई मैं साध बन गया वो कहती पुत तेरा बाबा पिछे कला हल बोंदा चल अपने घर कहता ताईओ चाचीओ ये दसो लै के की आई हाँ जे पुत चौल लिया ने आटा लिया गुड़ लिया पाँह रुपये गोल में पाए तो कहता ताईओ चाचीओ लै के की चली हाँ जे पुत जाल कहता धंधा तुहाडा चंगा कि साडा चंगा हा है। इस बार मताओ तो भैन जल उ छो बाबे के रोड के उत्थे पाओ मर जा बेड़ा गर्क अगली गल हो रही इन्हें गुटका थोड़ा देना तो कहते कहते माड़ा ला जा माड़ा कोई भी मणके ले फिर कोई इक्की मणके मर ले फिर आप बाणी पढ़ के वेख लो बड़े प्यारे वाक होंगे गुरबाणी में सारी गुरबाणी पढ़ी पढ़ाई कित एक वाक नहीं मिलता माड़ा जपण का हद होगी सिख जेड़ा भी आ नामधारी है ना आ धुंदा जी उन्होंने पिछले सैमीनार से गल बड़ी प्यारी सुनाई सी अभी तो ना लैके गल करते हैं मनमत चली कितों आ ये नामधारी है जिन्होंने से हिंदुस्तान की आजादी में बड़ा वड्डा योगदान पाया हिंदुस्तान की आजादी इनू खत्म करने वास्ते अंग्रेज ने की किया भैनी आगे माछी माछीवाड़ा साहब के कोल पिंड है इतने इन्होंने पुलिस का पहरा लाता और पहरा इतों तक लाता भी ये इन्हों के कोल हथियार से कृपान सी वो सटा दिती जो इन्होंने सूत्र दियाँ माला फड़ लिया अंग्रेज कहता हूँ कोई खतरा नहीं हथियार साड़ता इन्हों को इनकलाब की कोई सगंधी नहीं रह गई क्रांति की कोई बाशन नहीं रह गई हूँ इतों अपनी चौकी उठा लो इन्होंने हथियार छड़ के सूत्र दियाँ माला फड़ लियो कौम तरक्की कर सकती है। इस वास्ते गुरु प्यारे माला का कंसैप्ट साढ़े साल ग्रामे पूज मनावो सोके तुलसी माला राम नाम का बेड़ा बंधो दया करो दयाला काहे कलरा सिंचो जन्म गवावो ये शब्द बड़ी प्यारा प्यारा शब्द है व्याख्या मंगता मैं संखेप ही गल करा क्योंकि तुसा घर भी जाना है तो गुरु प्यारे सवेरे उठ के कारोबार भी तुसी करने है तो वो माला बाबे को चले गए कहते बाबा ये कारोबार नहीं चलता आप होंगे ना एक दूजे नाल ले जाने भी कारोबार नहीं चलता भी साडा बाबा बड़ा चंगा चौंकी है बड़े कारोबार चलता यह पता नहीं बाबे ने भावें लख रुपया दिता हो तू दो चार चेले होर पट लिया भी इदा की कहानी भी हैगी है। वो कहते बाबा देंदा की कहते बाबा माड़ा देंदा माड़ा कहते फिर कहते माड़ा कमाइए कारोबार बहुत चलता कहते काम बड़ा सौखा बाबे को चले गए कहना बाबा कहना भी तीन चार चौंकियां भरो फिर ही माड़ा दूँ ना उन्हें तीन चार चौंकियां भर दीदियाँ अखीर तो बाबा बड़े खुश एक दिन आया खुशी हुई कहता भगता की गल है कहता बाबा जी ट्रांसपोर्ट का काम है तो कारोबार चलता नहीं कहते बचा गल कोई नहीं आ माड़ा ला जाने घुमाया कर कहता ठीक है बाबा जी बड़ा सौखा काम है। गुरु प्यारे माला घुमाया ना कारोबार नहीं चलते ये चलते आ पैसे नाल चलते जुगत नाल चलते तरीके नाल चलते मैन पावर नाल चलते हैं। दो तीन महीने लंघे वो ड्राइवर बेचारा फिर आ गया ट्रांसपोर्ट बनया जी नवा नवा वो कहता बाबा जी कारोबार चलिया नहीं कहता पुत माला कमाई कहता बड़ी कमाई है कहता किदा कमाई है कहता अमृतसर तो पूने नूं जांदा सी ट्रक के मगले पहिए ना बद्धी होई सी जिवें ट्रक चलते माया घूमदी इदा माला घुमाया कदे भी कारोबार गुरु प्यारे नहीं चलने सिखी संत के गुरु ग्रंथ साहब के
बाणी इहदी सिक्ख्या ते चलीए आपां ते माड़ा कोई कंसैप्ट नहीं जे हैगा। ये सिख कौम की क्रांति जिहड़ी आ जिहड़ी ये इनकलाब की भावना सी ये तुहाडे जो खत्म करके ते गुरु प्यारे तुहानू तां हुण की कह दिता वी मतियां कर लो बंद अखां लो मीज ते रब नू याद करो। क्या कमाल की बात है भाई, जे दादी माँ थोड़ी अखां मीच लवे ना भाव बंद कर लो जां इग्नोर करे ते पोतरी 5 बजे आउण नू बजाय रात नू 8 बजे आएगी। ये घर में पापा जी इग्नोर करे बच्चों नू, बच्चे ने शाम नू 6 बजे आना और रात नू 10 बजे पी के वो टली हो गया आएगा। ये मुल्क का राष्ट्रपति अखां बंद कर लवे फौज की करती है की नहीं करती देखे कुछ ना, जिवें साडे हिंदुस्तान दे विच हो रहा है सारे पासे करप्शन हो जाएगी ते सानू गुरु प्यारे गुरुद्वारे विच इत्थों तक बिठाया जा रहा भी अखां बंद कर लो बत्तियां बंद कर लो। कमाल की बात है भाई, अखां बंद करके देखना की है, इत्थे आईए अखां खोल के गुरबाणी पढ़िए ते ज्ञान लैके आपां घरां नू जाइए। इन्हां शब्दां नू पढ़ो कि काल नाही जोग नाही नाही सदका टब फनिश जग प्रिष्ट होए डूबता एव जग। कल मैं राम नहां मैं सार अखी दा मिटे काले वास्ते भला ठगण कहो संसार। इदां दीआं भगतियां साडे विच नहीं जे हैगीआं, सिक्खी च भगती कहिड़ी आ नानक सतगुर भेटिआ पूरी होवै जुगत संध्या खलंदियां पहनंदियां खवलदियां अगे की होंदा जी विचे होवे आ गुरबाणी दा सिद्धांत है। गुरु प्यारे समुचे तौर ते इलाका निवासियां दा जिहड़े वीर संगतां लै के उन्हां दा बाघा पुराणा दीआं तमाम संगतां दा इत्थों दे बड़े प्यारे प्रबंधकां दा जिन्हां ने बड़ा वधिया उपराला कीता भाई साहब भाई पंत प्रीत सिंह जी दा जिन्हां ने मालवे विच बड़ा वड्डा योगदान पाया है और संगतां नूं घटो घट सुनन दी एक युक्ति समझाई है लंगर दी एक युक्ति समझाई है उन्हां दा धन्नवाद है। इत्थों दे प्रबंधक जिहड़ी गुरमत प्रचार सोसाइटी उन्हां दा धन्नवाद है। गुरु साहब जी दे टहलीए सेवक ग्रंथी साहिबान उन्हां दा धन्नवाद है जिन्हां बड़ा सहयोग दिता है ते समुचियां संगतां दा असीं बड़ा धन्नवाद करदे हाँ। लंगर वालियां वीरां दा जोड़े रखण वाले वीरां दा असीं सारिआं दा तहे दिल तों धन्नवाद करदे हाँ। इह 3 दिन दे दीवान विच गुरु प्यारो ख्याल करो बंदा मैं कल भी कहा भी वकील नहीं हुंदा कोई मौलवी विचार दे रहा सी अपनी कौम नूं गल कह रहा सी कि नमाज मत पढ़ा करो जे अमल नहीं करना नमाज मत पढ़ा करो जे अमल नहीं करना। अगले पास चवल जिहा बंदा बैठा वो लोगों जा कहिंदा जी मौलवी दा कहिंदा नमाज ना पढ़िया करो है इदां ही गुरु प्यारो पता नहीं किस कंसैप्ट विच गल करी गई होई है। एक बंदा भज्जा भज्जा वो कहिंदा भाई साहब जी ऐलान करियो जी संगत नमस्कार करके जाए वो गुरु प्यारो सारे समागम ही इस वास्ते संगत नूं दस्या जा रहा कि भले नमस्कार केवल गुरु ग्रंथ साहिब दे अगे करनी आ गया भाई अकाल की तवे चलायो पंग सब सिख नूं को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ये असीं 3 दिन दे विच जिहड़ियां विचारां कीतियां अखर दा वाधा घाटा हो सकदा उस वाधे घाटे जिम्मेवारी साडी आ वडियाई गुरु साहब की है उस वादे घाटे की असी हाथ जोड़ के तुहाडे कोलों निमन सार प्रसाद खिमा मंगते हाँ। 2 3 बेनतियां होर गुरमत ज्ञान मिशनी कॉलेज वालों जिथे प्रचारक तैयार किए जाते हैं 6 जुलाई को इंटरव्यू आ 10+2 वाले बच्चे ले जाते हैं बहुत सारे प्रचारक साडे बच्चे जिन्हें उत्तर कोर्स किया संगत में बैठे ने तुहाडे पिंडां दे प्रचार केंद्र भी चला रहे हैं। 7 जुलाई को एक बच्चियां की इंटरव्यू आ 10+2 वाली बच्चियां उन्होंने भी 1 साल का असं गुरमत का कोर्स कराते हाँ। इस तो अलावा गुरमत विरसा साड़ा मैगजीन जिदे में सवाल जवाब शब्दी विचार इतिहासक दिहाड़े जोड़े ने वो भी दिते जाते हैं। नानकशाही कैलेंडर भी सिखी लहर वालों जोड़ा आ वो अभी अपने स्टाल तो लिया सकते हो तो समुचे तौर पर गुरु प्यारे हो आओ गुरु ग्रंथ साहब वाला शुकराना करद हो सिर नवाद हो अदर सत्कार सारे गज के आखो जी वाहेगुरु जी का वाहेगुरु जी की फतेह राम कह।